Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. जैसा कि आप देख रहे हो मैं रोड पे चल के जा रही हूँ कहीं मैं जा रही हूँ RTO ऑफिस अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। अब मैं पैदल जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे बनवाते हैं क्या करते हैं, इसलिए मैं लेके आई हूँ पापा को साथ में। पापा के साथ जा रही हूँ और देखते हैं कैसे बनता है मेरा आज ड्राइविंग लाइसेंस। लर्निंग वाला ऑलरेडी मैंने एक महीने पहले बनवा लिया था, अभी परमानेंट वाला बनवाने जा रही हूँ। पैदल अभी तो रास्ता शुरू हुआ है और आगे हमारा क्रॉसिंग फिर से बंद है और हम इसके नीचे से निकल के जाएंगे। दोपहर के बज रहे हैं 12 और बहुत कड़क धूप लग रही है हमारे सर पे। ऑफिस से वापस आ गए हैं, पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट घर, थोड़ी दूर मेन रोड पे हैं। बन नहीं पाया आज क्योंकि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने लेकिन आज क्लियर कर लिया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो तो हमने ले लिया है। लेकिन उसके लिए बोल रहे थे कि पहले स्लॉट वगैरह बुक करना पड़ेगा और डेट अक्टूबर में होगी तो फिर अक्टूबर में आके फिर बनाना पड़ेगा, तो वो अभी सो सैड बन नहीं पाया। मैंने जाके RTO ऑफिसर जो है उनको बोला बनाने को, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं अभी नहीं बन पाएगा, वो 26 अगस्त के बाद ही बनेगा, तो हमें फिर से वापस आना पड़ेगा। यहाँ से 5-6 किलोमीटर है RTO ऑफिस। हम ई रिक्शा में बैठ के गए थे, मैं तो सो गई थी आधे टाइम, पता ही नहीं चला। ये देखो, ओ ओ माय गॉड, सो गुड, सो मजेदार। ये सुकृति काट कैसे कट गई? आ रही नहीं आ रही, कट गई। 1 2 3 4 तो ओ गिरा। ये गंदा सा चेहरा नहीं दिखेगा इसमें, सिर्फ मेरा चेहरा दिखेगा। मार देंगे। तो क्या कह रहे थे? पहले मेरा चेहरा दिखाओ तब बताएंगे। कह रहे थे ना, ये देखो YouTube पे दिखा रहा है कि 24 आवर इग्नोर योर सिस्टर करके चैलेंज है, चल करते हैं। 24 क्यों, हम साल भर कर लें। साल भर इग्नोर, एक 1 ईयर इग्नोर टू माय सिस्टर, एक साल करेंगे। एक साल का कर लें, 24 आवर में क्या होगा, 24 आवर में नहीं आएगा। हम एक साल का कर लें, हम जिंदगी भर का कर लें। अरे पागल, चैलेंज करना, चैलेंज। हम लाइफ लॉन्ग चैलेंज करेंगे। लॉन्ग चैलेंज करने कमी। हम लाइफ लॉन्ग इग्नोर, पूरा इग्नोर जिंदगी भर। एक पूरे एक साल में एक ही व्लॉग बनाओगे क्या? आए बड़े एक साल, देखो जरा इज्जत नाम की कोई वही नहीं है, इज्जत की धज्जियों पे धज्जियां उड़ी है। ये गरीब लोग को इग्नोर ना करे तो क्या करे बताओ? अमीर बनाया तुम्हें, नौकरी भी लगाई। गरीब लोग पता नहीं कहाँ, इन लोग इसको हम इग्नोर आग खोल के क्या बंद करके भी करें। गलत बोल दी। मतलब खोल के चल निकल। और बताइए क्या हो रहा है? ओ लड़के क्या हो रहा है, कुछ बताइए, कमेंट में लिख के कुछ बोलिए, तब तुम्हें बताऊं। बोलते ही नहीं आप लोग। गाइस आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए, मैं इसकी गर्लफ्रेंड रिवील कर दूंगी। भाग जाओ से, कोई प्राइवेसी यहाँ लिखनी होगी? होगी नहीं, मैं करूंगी। गाइस बस 1000 सब्सक्राइब, बस 1000 सब्सक्राइबर की कीमत तुम क्या जानो सब्सक्राइबर बाबू।
इतना गंदा एक्टिंग चल निकल रहा है ऐसे इतना गंदा एक्टिंग कास्टिंग डायरेक्टर बने हम बेटा घर जाए ईश्वर का आशीर्वाद होता है बाहर गया यहाँ से सब्सक्राइब करना इसके आगे डायलॉग नहीं आता और क्या उसके आगे हाँ तो कह रहे थे कमेंट करें ताकि पता चले लोग आप लोग ऐसे आते हैं वीडियो देखते ऐसे चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है कि आपके दिमाग और दिल में क्या चल रहा है तो कमेंट में करिए कमेंट करिए गाली दीजिए कुछ भी करिए जाते खूबसूरत सड़कों पे ऐसे पड़े लोग मिल जाते तो उन्हें देख के लोग निकल लेते क्या करें अब ऐसे पड़े लोगों में कमेंट कौन करेगा पता नहीं कमेंट की हाथ दांत खोल के भीख मांग रहा है देखिए पूरे फ्रेम में सिर्फ मेरा चेहरा कितना अच्छा लग रहा है हट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ना कांडा लग रहा है हमें कांडा लग रहा है तुम गरिल्ला लग रहे ऐसा लग रहा है स्क्रीन में कौन घुसने की कोशिश कर रहा है हमें तो जगह की नहीं ये तो साइड जैसे दिख रहा है एक लाइक दो लाइक ये तो है ये लड़का दिन रात ये गाड़ी चलाता रहता है इस बच्चे को इतने छोटा से बच्चे को इतनी बड़ी कार मिल गई चलाने को इतने छोटे थे हम तो को पता ही नहीं था कार होता क्या हमें तो आज भी चलाने नहीं मिलती है कि मिल जाता है दे दो मैं चला लूं दे दो बचपन में तो मिला ही नहीं चलाने को ये बड़े होकर तो ये मिल ही नहीं रहा है ये बच्चे को मिल गया बताओ 4 ग्राम का बच्चा है उसको मिल गया चलाने को मुझे मिल ही नहीं रहा तो क्या तुम्हें बुढ़ापे में बच्चों ने खेलने वाली समझ दिए छोड़ो उसको क्या हमारा दिल नहीं है ए चुप रे ए चुप खेलने के दिन गए चलो रखो गुरु मैं खेलूं हां ओपन क्यों ओपन नहीं गुरु ऑन अच्छा मैं थोड़ी देर में ये कार चले गया मैं बचपन में तो खेलने को मिला नहीं बचपन में मिला होता तो पता नहीं कहाँ होते बचपन में मिला नहीं इसलिए बचपन में खेला था इसलिए बच्चों का खिलौने लेके खेलने कूद पूरी बचपन की ख्वाहिश पूरी की जाएगी यहाँ पर बचपन की ख्वाहिश बचपन में इसका टाइटल पड़ेगा बचपन की ख्वाहिश पूरी की जा रही है बचपन में चलो चलो ये राउंड क्यों नहीं कर रहा ये टर्न क्यों नहीं कर रहा टर्न कर बताओ इतना बचपन में उनको खेलने मिला होता तो आज पता नहीं कहाँ होते पता नहीं था कार भी होती है छोड़ो पता नहीं कहाँ क्या होते जहाँ हो वहीं होते बच्चे से खिलौना छीन के हम खेलेंगे पहले हमारा हमारी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए रे दे बच्चे को बोलो प्लीज चाचू ये टर्न क्यों नहीं हो रहा दो बच्चा बताएगा कैसे चलेगा तो उसको तो वो बताएगा कैसे चलेगा अरे जान निकल जाएगी इसको छोड़ दो हट गया इसका शरीर हट गया इसका अबे वो अरे तुम चलाए नहीं हो तो कम से कम उसको देखो रुक जा अरे हट गया चल ही नहीं रहा मतलब चलाना नहीं आ रहा इसीलिए तुम्हें तुम्हारे बचपन में नहीं मिला बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद इतनी छोटी सी रिमोट कार न चला पाओ ये लड़का तोड़ दिया इसको इसलिए अच्छे से चल नहीं रहा हां खुद चलाना बहुत तो बच्चे पे नेम ब्लेम चल दो वो चला के दिखाएगा ए छोड़ो चलो लो चला लो चलाओ भाई गोलू 1 2 3 गो स्टार्ट लेफ्ट राइट चार्ज खत्म हो गया गुल्लू ये क्या कर रहे हो 4 ग्राम का बच्चा रिमोट से हमको चलाएगा जाके खाना खाओ 4 ग्राम से 8 ग्राम के हो मारेंगे उड़ के वहाँ गिरोगे इतना भग भग करके मत बोला करो लोगों को पसंद नहीं आएगा वो हम जो एक्टिंग का ऐसे बोला था भग भग लोग गाली देते हैं लोग आते क्योंकि वो उस टोन में गाली से मतलब नहीं रहता वो टोन होता है दिखाने का इरिटेट वो भग मतलब आदमी इरिटेट हो गया भग मतलब हमको नहीं कहा तुम इरिटेट हो गए किस चीज से ऐसे कैसे इरिटेट हो गए